हेलो गाइस, दिस इज जस्ट फ्रॉम सैमेंजर्स हेयर एंड मेकअप एकेडमी मुंबई। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लो ड्राई। मैं आज जो आपको दिखाने वाला हूँ इन कर्ल्स। अभी तक आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे हमारे, वो थे आउट कर्ल्स के ऊपर, लेकिन आज जो हम लोग करने वाले हैं इन कर्ल्स के ऊपर ब्लो ड्राई। कभी भी आप ब्लो ड्राई करते हो, क्लाइंट आपके पास में सैलून में आता है और बोलता है मुझे करना है ब्लो ड्राई, तो सबसे पहले आपको करना है उनका हेयर वॉश। कभी भी ऐसे मत करना क्लाइंट ने बोला मैं घर से वॉश करके आई हूँ और आपने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया ब्लो ड्राई, कभी भी ऐसा मत करना। हमेशा सबसे पहले आपको क्लाइंट का हेयर वॉश करना है, फिर उसके बाद प्रॉपर कंडीशनर करना है। अगर आपको कर्ल्स करने हैं आपको लगाना चाहिए हमेशा मूस, और अगर आपके क्लाइंट का आपको स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है तो आप सीरम लगा सकते हो। कर्ल्स के टाइम पे हमेशा कोशिश करो मूस लगाओ। तो अभी क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं करने जा रहा हूं इन कर्ल्स, तो मैं पहले लगाने वाला हूं मूस। देखिए मूस कैसे लगाते हैं। मूस लगाने के बाद में मैं बनाऊंगा सेक्शंस, और सेक्शंस के बाद में छोटे छोटे सेक्शंस बनाऊंगा, बहुत बड़े नहीं, और उसके बाद में शुरू करेंगे हम लोग इन कर्ल्स। तो सबसे पहले मूस लगाते हैं, मैं कोई भी आपके पास में बॉटल होती है मूस की, कोई भी कंपनी, सबसे पहले आपको उसको शेक करना है। शेक करने के बाद में आपको फोम आपको लगाना है बालों पे। देख रहे हैं आप लोग, मैंने सारे बालों पे फोम लगा दिया, और कोशिश करो कि जो स्कैल्प के पास में बहुत ज्यादा मत लगाओ, क्योंकि अगर क्लाइंट को पसीना ज्यादा आता है तो वो पसीने के साथ में जो आपका मूस है वो स्किन पे आता है और बहुत ज्यादा क्लाइंट को इरिटेट करता है। तो आपको क्या करना है, मूस कोशिश करो ज्यादा बालों पे ही लगाओ। तो अभी मैं करने वाला हूँ सेक्शंस। देखिए बहुत सी सेक्शंस के ऊपर काम करने वाला हूँ, बहुत इजी सेक्शंस भी हैं और फटाफट आपका ब्लो ड्राई भी होने वाला है। सो दीज आर द सेक्शंस, सी सेक्शन के ऊपर काम करने वाले हैं अभी हम लोग, और ये देख रहे हैं आप बिल्कुल प्रॉपरली इन कर्ल्स कर रहे हैं अभी हम लोग। रूट्स के पास से शुरू करेंगे ब्लो ड्राई। सबसे पहले क्या किया मैंने, गीले बालों को रोल कर दिया। अभी तक मैंने बिल्कुल बालों को क्या किया, ड्राई नहीं किया, और गीले बालों को रोल किया और थोड़ा सा हेड को टिल्ट किया आगे। ये देख रहे हैं आप, हेड को टिल्ट किया और अभी शुरू करेंगे हम लोग ब्लो ड्राई। और जो आपका ड्रायर का जो फेस है ना, वो आपके ब्रश की तरफ होना चाहिए, टूवर्ड्स द ब्रश। तो ये हमने लिया उसको टूवर्ड्स द ब्रश, बिल्कुल भी जो ब्लो है आपका वो स्कैल्प की तरफ नहीं जाना चाहिए। जो इसका ब्लो रहेगा वो रहेगा, हमेशा ध्यान रखो ब्रश की तरफ, स्कैल्प की तरफ नहीं। जो आपका नोजल है ड्रायर का वो रहेगा बिल्कुल किसकी तरफ, ब्रश की तरफ। और अगर आप इसको उल्टी साइड में करेंगे ना तो आपके क्यूटिकल्स भी खुलते हैं, तो इसका ध्यान रखना है आपको कि हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही आपको ब्लो ड्राई करना है। कभी भी ब्लो ड्राई आप नीचे से ऊपर मत करना, क्योंकि इसके फिर क्यूटिकल्स खुल जाते हैं। सो यहाँ पे इन कर्ल देख रहे हैं, बिल्कुल प्रॉपर इन कर्ल ब्लो ड्राई। और अभी हम लोग आ रहे हैं आगे के सेक्शंस पे सेम वे। सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, गीले बालों को फोल्ड करता हूँ, बिल्कुल गीले बालों को रोल कर दिया ब्रश के अंदर, और रूट्स के पास से मैं कर रहा हूँ ड्रायर, बिल्कुल रूट्स के पास से। देखिए छोटे वाले बाल निकल जाएंगे, छोटे वाले बालों का टेंशन मत लो आप, उसको हम बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन जो ड्रायर हमने पहले फोकस करना है, सबसे पहले बहुत बड़ा सेक्शन नहीं लेना। कभी भी आप लोग ब्लो ड्राई करते हो, जो आपका नोजल का साइज है उसे थोड़ा छोटा ही लेना है, चौड़ाई में, समझ में आ गया। उसके बाद में जो गीले बाल हैं, हमेशा आपके जो बाल गीले होने चाहिए ब्लो ड्राई के टाइम पे, वो होने चाहिए अराउंड 70% आपके बाल वेट होने चाहिए। बहुत बड़ा सेक्शन नहीं होगा, जैसे आप मेरे आगे के ड्रायर का नोजल देख रहे हो, नोजल से थोड़ा छोटा ही होगा, बहुत बड़ा सेक्शन नहीं होगा। अभी जो ध्यान रखना है आपको, अगर आप कर्ल्स कर रहे हो, भले इन कर्ल्स कर रहे हो, आउट कर्ल्स कर रहे हो, सबसे पहले आपको उस पोर्शन पे जहाँ पे आपको कर्ल्स देने हैं वहां को आपको फोल्ड करना है, और वहां पे आपको हीट देनी है। और ब्लो ड्राई के टाइम पे हमेशा जो आपकी हीट रहेगी वो रहेगी फुल ब्लो एंड फुल हीट, पूरे ब्लो के साथ में करेंगे फुल ब्लो फुल हीट। उसके बाद में आप जो है बिल्कुल रूट्स पे जाएंगे और ऊपर से नीचे तक, लेकिन जब आपका ड्रायर नोजल जो बिल्कुल स्कैल्प के पास है, स्कैल्प के पास थोड़ा सा आपको फास्ट चलना पड़ेगा। अगर आप वहां थोड़ा फास्ट नहीं हुए तो आपके क्लाइंट को हीट स्कैल्प पे लग सकता है, क्योंकि ब्लो बहुत तेज है इस टाइम पे। आप देख रहे हैं बिल्कुल, जब जैसे मैं स्कैल्प के पास आता हूँ ना मेरी थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन जब मैं बालों पे आता हूँ तो आई गो वेरी स्लो, बहुत स्लो चलना होता है,
बहुत फास्ट नहीं चलना होता है। अभी आप जो वीडियो देख रहे हो थोड़ा फास्ट किया हुआ है, लेकिन आप ये इमेजिन कर सकते हो कि जब आप ड्रायर कर रहे हो बालों के ऊपर तो बहुत ज्यादा फास्ट नहीं करना। जैसे कि मैंने आपको पहला सेक्शन दिखाया था, हमेशा रोल किया उस पर ब्लो दो, विद फुल ब्लो फुल हीट आपको सेक्शन के ऊपर देना है। उसके बाद धीरे 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 आपको बालों पे और स्कैल्प पे पूरा, मतलब स्कैल्प पास अगर आपके बाल गीले रह गए तो आपका ब्लो ड्राई कभी अच्छा नहीं होगा। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, मैं बार बार आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, बहुत बड़ा सेक्शन नहीं लेना, बाल हेयर वॉश होना चाहिए आपके क्लाइंट का, प्रॉपर शैम्पू कंडीशनर। मुझे क्योंकि इनकर्ल्स करना था तो इसलिए मैंने बालों पे मूस लगाया, मूस लगाने के बाद में अभी मैं ड्रायर कर रहा हूँ और ड्रायर जो है उसका जो ब्लो है वो आ रहा है मेरा ऊपर से नीचे, मतलब मेरे ब्रश की तरफ, स्कैल्प की तरफ नहीं जा रहा। उससे एक तो बाल भी खराब होते हैं आपके और क्लाइंट आपका बहुत कंफर्टेबल बैठना चाहिए कि अगर उसको हीट आएगी स्कैल्प के ऊपर तो वो कंफर्टेबल कभी नहीं होगा। और जितना स्लो आप बालों पे चलेंगे, देखिए रोकेंगे नहीं कभी भी क्योंकि हीट है, बालों के ऊपर कभी भी रोकना मत आप ड्रायर को, मूव करते रहना ना ब्रश को बार 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 बार, देख रहे बार 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 जो ब्रशिंग जो होती है ना, इससे क्या होता है कि जैसे आप पॉलिश करते हैं ना शूज पे पॉलिश, जितना ज्यादा ब्रश मारते हो शूज पॉलिश का उतना ही ज्यादा आपके शूज के ऊपर शाइन आती है। सेम थिंग विद दिस, जितना ज्यादा ब्रशिंग लाइटली हल्के हाथों से करेंगे उतने ही ज्यादा आपके बालों पे शाइन आएगा। और क्योंकि ब्रिसेस थोड़े से हार्श होते हैं तो इसलिए बहुत ही हैंडल विद केयर तरीके से आपको ब्रश चलाना है ताकि बाल खराब ना हो, टूटे ना, बीच में से अटके ना ब्रश के अंदर, और बहुत लूज भी नहीं होना चाहिए ब्रिसेस के ऊपर आपके जो बाल आप राउंड कर रहे हो, बहुत लूज भी नहीं होने चाहिए और बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं होने चाहिए। चलिए अभी आ गए हम लोग फ्रंट, फ्रंट कहाँ खड़े होके मैं ब्लो ड्राई कर रहा हूँ, इन द फ्रंट साइड, मतलब फ्रंट का टॉप एरिया कभी भी आप करते हो हमेशा फ्रंट पे आके ही करो, क्लाइंट के सामने आके खड़े होके करो और टॉप एरिया पूरा फ्रंट फ्रिंज से लेकर के पीछे पोर्शन तक का। तो आई होप आप लोग को ये ब्लो ड्राई समझ में आ रहा होगा। ये देख रहे हैं ये भी इनकर्ल्स ही आएगा हमेशा, आप आउटकर्ल्स करो इनकर्ल्स करो, टॉप एरिया को हमेशा इसी तरीके से ब्लो ड्राई करेंगे। एंड दिस इज अवर लुक, आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों ने देखा कितना अच्छा कर्ल्स हमारा क्रिएट हुआ है इन कर्ल्स स्मॉल राउंड ब्रश की वजह से। और मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं किया, मैंने एक बार भी ये ड्रायर ना अपने कंधे पे नहीं रखा, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टाइलिस्ट को देखा है कि ये लेते हैं और इसको यहाँ पे रख करके फिर काम करते हैं। प्लीज डोंट डू दैट, पहली चीज ये प्रोफेशनल नहीं है, दूसरा इसके नुकसान बहुत है क्योंकि यहाँ पे रखने के बाद में पता है आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका जो नेक है वो मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे ही है। और दिन में आप कितने ब्लो ड्राई करते हो और अगर आप रोज इस तरीके से करेंगे तो आपकी बॉडी के लिए बहुत प्रॉब्लम है। आप लोगों को सही तरीके से ब्लो ड्राई करना है, आपके पास में स्टैंड आते हैं आप स्टैंड में रखो ड्रायर को, ड्रायर बहुत स्लीक स्टैंड आते हैं, जगह भी नहीं घेरता और आपको किसी की जरूरत भी नहीं है कि कोई आकर के पकड़े, तो आपको स्टैंड बाय करना चाहिए, उस पर आपने स्टैंड पे ड्रायर रखा और आप अपना ब्लो ड्राई कर सकते हो। कि आप लोगों को ये इन कर्ल्स ब्लो ड्राई बहुत अच्छा लगा होगा, देख रहे हैं आप लोग कितना टाइट कर्ल्स आया है। अभी ये जो लुक है ये तो एक लुक है जो आप लोगों ने देखा, अभी इसको खोलना कैसे है तो देखते हैं कि इन कर्ल्स जो हम लोग ने प्रोमिनेंट कर्ल्स किए हैं उसको खोलने के बाद में, मतलब जो कर्ल्स हैं उसको खोलने के बाद में लुक कैसा आता है, सो जस्ट वॉच इट। तो अभी आप लोग देख रहे हैं मैं बिल्कुल धीरे से आगे किया, देख रहे हैं आप सारे बालों को लिया मैंने आगे और शेक करेंगे इसको ताकि ये थोड़ा नेचुरल लुक आ जाए। ये देखो पूरा शेक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये जो हमारे टाइट कर्ल्स थे वो थोड़े से खुल रहे हैं और खुलने के बाद में हम लोग यहाँ से लेंगे और इसको हम लोग क्लाइंट को बोलेंगे थोड़े झटके से ऊपर। ये देखो मैं पीछे से इसका लुक दिखाता हूँ आपको, वाओ कैन यू सी दिस, दिस इज लुकिंग अमेजिंग। Now see this. This is looking very natural. Can you see? It's looking very natural. So this is how you have to do the blow dry. So I hope आप लोगों को ये जो blow dry है इन curls समझ में भी आया होगा और जो छोटे छोटे मैंने tips आपको दिए हैं उस पर काम करेंगे तो आप भी ऐसे अच्छा blow dry करेंगे। So thank you so much. Take care. Bye.